दोस्तों बॉलीवुड की दुनिया काफी पुरानी है, इस बात को मानने से कोई एतराज भी नहीं है। 70 और 80 के दशक में कई दिलकश अदाकाराओं ने बॉलीवुड में एंट्री ली, जिनमें से कुछ अपनी ब्रिलियंट एक्टिंग के लिए जानी जाती थी तो कुछ अपने यादगार किरदारों के लिए। लेकिन इस दौर में राज करने वाले कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी है जो आज हिंदी फिल्म जगत से पूरे तरीके से अपनी पहचान मिटा चुकी है। लेकिन दोस्तों आप इन अभिनेत्रियों को अच्छे से जानते हैं, पर क्या इनके रियल लाइफ पार्टनर को जानते हो जो दिखने में बड़े अट्रैक्टिव है? कोई बात नहीं, हम बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 6, जूही चावला। 90 के दशक में अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों को जीतने वाले खूबसूरत अदाकारा जूही चावला ने फिल्मी पर्दे पर अपने अलग अलग किरदारों से हमेशा सुर्खियां बटोरी। इन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें डर, इश्क, स्वर्ग और यस बॉस जैसी हिट फिल्में शामिल है। इन्हें आखिरी बार 2008 की फिल्म भूतनाथ में देखा गया। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेत्री के पति की, तो इनके पति का नाम जय मेहता है, जिनसे इन्होंने 1995 में शादी की। आज इनके दो बच्चे भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, इनके पति प्रोफेशन से मल्टीनेशनल कंपनी के ऑनर हैं, इनकी सीमेंट की दो कंपनी है और साथ ही ये शाहरुख खान के साथ आईपीएल टीम के कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर भी हैं। नंबर 5, पूजा बत्रा। बॉलीवुड की हॉट अभिनेत्रियों में एक नाम आता है पूजा बत्रा का, जिन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनमें से कुछ हैं हसी न मान जाएगी, कहीं प्यार ना हो जाए, नायक द रियल हीरो। इन सभी हिट फिल्मों को करने के बाद इन्होंने अपने करियर को विराम दे दिया। इन्हें आखिरी बार 2016 की फिल्म किलर पंजाबी में देखा गया। अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम नवाब शाह है, जिनसे इन्होंने 2019 में शादी की। आपको बता दें इनके पति प्रोफेशन से एक अभिनेता है, जिन्होंने टाइगर जिंदा है, दबंग 3 और दिलवाले जैसी फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें नवाब शाह से शादी करने से पहले इन्होंने डॉक्टर सर्जन सोनू वालिया से शादी की थी, लेकिन इन दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चला, तलाक हो गया था। नंबर 4, रिंकी खन्ना। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा ट्विंकल खन्ना की बहन रिंकी खन्ना को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनमें प्यार में कभी कभी, जिस देश में गंगा रहता है, मुझे कुछ कहना है जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन फिल्मों में सफलता न मिलने के कारण इन्होंने इंडस्ट्री को त्याग दिया। इन्हें आखिरी बार 2003 की फिल्म प्राण जाए पर शान न जाए में देखा गया। लेकिन अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम समीर सारण है, जिनसे इन्होंने 2003 में शादी की। आज इनकी शादी से एक बेटी भी है, जिनका नाम नौमी करण सरण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनके पति प्रोफेशन से एक बिजनेसमैन है। नंबर 3, सोनाली बेंद्रे। हिंदी सिनेमा जगत की सफल अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने अपने दिलकश अदाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया। सोनाली बेंद्रे न सिर्फ अपने अभिनय के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। जब वो इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तो उन्हें कैंसर हो गया, जिसके चलते इन्होंने अपने करियर को विराम दिया। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के रियल लाइफ पति की, तो इनका नाम गोल्डी बहल है, जिनसे इन्होंने 12 नवंबर 2002 को शादी की। शादी के 3 साल बाद इनके बेटे रणबीर का जन्म हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनके हस्बैंड प्रोफेशन से एक प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने द्रोणा, आई मी और मैं और बस इतना सा ख्वाब जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। नंबर 2, आयशा जुल्का। 90 के दशक की सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में एक नाम आता है आयशा जुल्का का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता हासिल कर ली। इन्होंने अपने फिल्मी करियर में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिनमें मेहरबान, बलमा, होते होते प्यार हो गया और दिल की बाजी जैसी हिट फिल्में शामिल है। इन फिल्मों को करने के बाद इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और 2006 में इन्हें लास्ट बार जननी फिल्म में देखा गया। अगर बात करें इनके पति की, तो इनके पति का नाम समीर वशी है, जिनसे इन्होंने 2003 में शादी की थी। आपको बता दें, इन पति पत्नी के रिश्तों में अच्छी बॉन्डिंग है, कभी लड़ाई नहीं करते। आपको बता दें, इनके पति प्रोफेशन से एक जाने माने बिजनेसमैन है। नंबर 1, तनिषा मुखर्जी। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री काजोल की छोटी बहन तनिषा मुखर्जी ने अपनी फिल्मी करियर में बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिनमें टैंगो चार्ली और सरकार जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इन्हें इंडस्ट्री में बहुत कम अवसर मिले, इसलिए इन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। इन्हें आखिरी बार 2005 की फिल्म नील एंड निकी में देखा गया। लेकिन बात करें इनके पति की, तो इन्होंने शादी नहीं की है, पर एक समय किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और वो कोई और नहीं बल्कि अभिनेता अरमान कोहली है, जिनके साथ 3 सालों तक रिलेशनशिप रहा। उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग और दोनों का ब्रेकअप, और वर्तमान में ये दोनों अलग अलग होकर अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में से किनके पति ज्यादा हैंडसम लगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।